हरि नाम का मांझी था, वो लोगों को नौका में बिठाकर नदियां पार कराता था। बारिश हो या तूफान, हरि की नाव कभी भी रुकती नहीं थी। एक दिन देर रात में तूफान बारिश हो रही थी, तूफान और भी बढ़ सकता था। एक आदमी ने हरि को बुलाया। अरे भैया, ओ हरि भैया। कौन? मैं हूँ, मैं परमवीर। अरे इतने रात को इस बारिश में क्यों? मेरी बीवी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सवेरे ले जाने का सोचा था, पर अभी जो अवस्था है इसमें कोई भी मांझी चलने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं किसी भी वक्त तूफान बढ़ सकता है। चिंता मत करो, तुम अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ, मैं चलता हूँ। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें ठीक उस पार पहुँचा दूँगा। जब तक मुझ में जान है तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, ठीक है? बढ़िया, अब तुमने हाँ कह दी तो मेरी जान में जान आ गई। मैं अभी मेरी बीवी को लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक है, जाओ। हरि जब नौका लेकर नदी में पहुंचा तब बारिश और भी बरसने लगी। इसी वजह से हरि बहुत धीरे धीरे संभल कर नाव को आगे बढ़ा रहा था। आ, 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 अरे ये कहाँ पतवार अटक गई? कहीं कोई पत्थर तो नहीं आ गया? चल चल। कौन कौन हो तुम? मैं मत्स्य कन्या हूँ। पता है नदी के नीचे बहुत सारे बादल जम गए हैं। सूरज काले बादलों से छुप गए हैं। अभी वहाँ पे बहुत बारिश होने वाली है, लेकिन पिछली बार मेरा घर पूरा टूट गया था। जब बारिश होती है तो मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसीलिए तुम्हारे नाव देखकर उस नाव पर बैठने के लिए मैं ऊपर आई हूँ। नदी के नीचे सूर्य, ये कैसे? हाँ सच कह रही हूँ, जैसी ऊपर तुम्हारी दुनिया है पानी के नीचे हमारी दुनिया है। वहाँ पर भी दिन है रात है, वहाँ पर भी बारिश होती है, बादल छाते हैं। पृथ्वी पर जब रात होती है तब वहाँ पर दिन होता है। लेकिन ऊपर भी तो बारिश हो रही है, तुम रहोगी कहाँ? जब तक बारिश होती रहेगी मैं तुम्हारी नाव पर बैठी रहूँगी। जैसे ही हमारी दुनिया की बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊँगी। इसके बाद मांझी और मत्स्य कन्या आपस में बातें करने लगे। उसके बाद मत्स्य कन्या ने जल में अपना चेहरा देखा और बोली, वो देखो बारिश रुक गई, अब मैं जा रही हूँ। ठीक से जाओगी ना, फिर कब आओगी? अब जिस दिन हमारी दुनिया में बारिश होगी और तुम्हारी दुनिया में पूरब की तरफ बादल होंगे तब मैं वापस आऊँगी तुम्हारी नाव पर बैठने के लिए। इतना बोलकर मत्स्य कन्या पानी में उतर जाती है। इसके बाद जब जब बारिश होती थी और पूरब की तरफ बादल छा जाते थे उस दिन ये दोनों मिलते थे। धीरे धीरे ये बात जमींदार तक पहुंच जाती है कि मांझी और मत्स्य कन्या आपस में मिलते हैं। तभी मत्स्य कन्या, ये तो कभी किसी ने नहीं देखा है। अगर मैं इसे बंदी बनाकर रख लूं तो शहर के लोग बहुत सारे पैसे देकर इसे देखने आएंगे और मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। सुनो सेवक, ढोल बजाकर सबको बता दो कि मैं 3 दिन का समय दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अगर कोई भी मांझी उस मत्स्य कन्या को पकड़कर मेरे पास लाएगा तो मैं उसे बेशकीमती उपहार दूंगा। ठीक है, मैं अभी के अभी गांव में मुनादी करवा देता हूँ। सुनो 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 सुनो, आपको सिर्फ 3 दिनों का वक्त मिलता है। जमींदार का हुक्म है, जिसने भी मत्स्य कन्या को देखा है उसे 3 दिन के बाद जमींदार के सामने लाना होगा और जमींदार साहब उस मत्स्य कन्या से मिले लेंगे। सुनो सुनो सुनो। ये मुनादी सुनने के बाद सभी मांझियों में होड़ लग जाती है कि कौन मत्स्य कन्या को पाएगा, पर किसी के हाथ में नहीं आती। द-
देखो भाई, ठीक से माप लो ताकि कपड़ा सही तरीके से बने। होगा होगा। कपड़े की लंबाई थोड़ी नीचे से ज्यादा रखना ताकि मत्स्य कन्या की तरह लगे। अरे भैया, इतना समय लेने से नहीं होगा, हम लोग भी तो लाइन में खड़े हैं। सुबह से लाइन में खड़ा हूँ, पर लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही है। वक्त तो लगेगा ही ना, इसे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। क्या है, तुमने मेरी बात सुन सुन के अपने कपड़े का रंग क्यों बदल दिया? हाँ हाँ, मैं आपकी सुन के क्यों करने लगी, मैंने तो पहले से ही कपड़ों का रंग बदला है। तुम ही मेरे कपड़ों का रंग देखकर यहाँ पर आई हो। अरे रुको, तुम लोग शांत हो, मैं सब नंबर भूल चुका हूँ। दया करके अगर आप लोग चुप नहीं रहेंगे तो मैं किसी का भी माप नहीं ले पाऊंगा। हाँ तीन दिनों के बाद सभी मांझियों ने अपनी अपनी बीवियों को मत्स्य कन्या के कपड़े पहनाए और जमींदार के सामने आकर खड़े हो गए। हर एक मांझी बोलने लगा कि कैसे उसने उस मत्स्य कन्या को पकड़ा है और क्या महत्व है। जमींदार तो ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गए और बोले, इतने सारे मत्स्य कन्या कहाँ से आए? ये मत्स्य कन्या लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ओए, तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं नहीं हुजूर, एकदम सच कह रहा हूँ, ये असली मत्स्य कन्या है। ए, 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 वो तो तेरी बीवी है, झूठ मत बोलो ठीक है? तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी भी तो वो पत्नी है। इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं मुझे, तो इनके बीच में मैं असली मत्स्य कन्या पहचानूंगा कैसे? ठीक है, सारे मत्स्य कन्या नदी में कूद जाओ और 3 मिनट पानी के अंदर रहना, जो ऊपर आएगा मैं मान जाऊंगा कि वही मत्स्य कन्या। क्यों जी, मुझे तो कह रहे थे नाव में बैठना है, अब कह रहे हो पानी में उतरना है, नाव को घुमाओ। 3 मिनट तक कोई पानी में डुबकी लगा सकता है क्या? ये हम लोगों को पकड़ लिया है, चलो चलो भागते हैं यहाँ से, चलिए सभी लोग चलिए। ओह, तो तुम्हारे नाव में जो है वही मत्स्य कन्या है? नहीं मालिक, ये मेरी पत्नी है, लेकिन जिसने मत्स्य कन्या को देखा है वो माझी पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आया, मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा मालिक। सबके सब धोखेबाज है। रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। कौन है यहाँ पे, कोई है? इन सब को पकड़ के बंदी बना लो। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश को मानने से इनकार किया। सेनापति जाओ, अभी उस माझी को पकड़ कर ले आओ, अभी। हरी, 3 दिन हो गए, तू क्या सो रहा था? मेरा आदेश तूने नहीं सुना? लेकिन मालिक, हर समय वो तो नहीं दिखती ना। ठीक है, जब तक वो नहीं दिखती है तुझे ही बंदी बनाकर रखूंगा। मालिक, जब ईशान कोण में बादल आएंगे तब वो दिखेगी। आज ऐसा लग तो रहा है कि ईशान कोण में बादल आएंगे, तो हो सकता है कि आज वो मिल ही जाए। ठीक है, ए, कोई है यहाँ पे? इसका हाथ बांधो। हरे, बुलाओ तुम अपने मत्स्य कन्या को। मालिक, मैं जैसे ही बुलाऊंगा वो आ जाएगी, लेकिन दया करके उसे बंदी मत बनाइए। वो मैं समझूंगा, तू सिर्फ बुलाओ उसे। नहीं मालिक, ये बहुत बड़ा अपराध होगा, अगर आप वचन नहीं देंगे तो मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, आपको वचन देना होगा। मैं तुझे इस पानी में डुबा के मार दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही हूँ। दोस्त, किसने तुम्हारे हाथ बंधे हैं? बताओ मुझे। मैं, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो पूरी जिंदगी हरी को बंदी बनाकर रख लूंगा, समझ गई? तुम मेरी चिंता मत करो मत्स्य कन्या, तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जमींदार जी, आपको ये तक पता नहीं है, किसी को धमका के, डरा के, जबरदस्ती किसी से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त आपकी नाव को गहरे पानी में डुबा सकती हूँ। हरी तो बच जाएगा, लेकिन आप डूब जाएंगे और आप गहरे पानी के पाताल में चले जाएंगे। अगर आप खुद का भला चाहते हैं, अभी इसी वक्त हरी के हाथ खोल दीजिए, नहीं तो इसी वक्त पूरी दुनिया को मैं बर्बाद कर दूंगी।
मछुआरों ने मेरा घर ठीक कर दिया है। अब अगर तेज बारिश होती भी है तो मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। अब अगर ज्यादा बारिश भी हो गई तो भी मैं ऊपर नहीं आऊंगी। और अगर तुम्हें मुझसे मिलने का मन हो, देखने का मन हो या बात करने का मन हो तो मुझे बस आवाज दे देना, मैं जरूर आऊंगी। और अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ते हो तब भी मुझे याद करना, मैं उसी वक्त तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। और जमींदार साहब, इसके बाद अगर हरी को आपने किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी मैं जा सकती हूँ हरी?